इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक जिंदगी गुजार आए हैं, और बदकिस्मती से उसका तस्वूर बहुत कम लोगों को हासिल है। और अहद हाजिर के जो रैशनलिस्ट किस्म के अकलियत ज़्यादा मैं कहता हूँ उन्हें, या अकलियत गजीदा, अकलियत से डसे हुए लोग, वो इन चीज़ों से इबा करते हैं, दूर भागते हैं। हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलम अरवाह में, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, लश्करों के लश्कर थे। आदम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होगा कयामत तक, सबकी अरवाह आलम अरवाह में पैदा कर दी गई। वहां अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मालिक नहीं हूं? हम सब ने अहद किया था, क्यों नहीं, शहीद ना, हम गवाह, ये अहद अलस्त। और जाहिर बात है कि अहद जो होता है, जब तक इंसान को अपनी जात का शऊर न हो, खुद शऊरी न हो, आप दुनिया में मुआयदा करते हैं तो कहते हैं कि बकायमी होश व हवास में ये अहद कर रहा हूं, मुआयदा कर रहा हूं, तो जाहिर बात है कि उस वक्त हम थे और होश व हवास के साथ थे, खुद शऊरी के साथ थे, लेकिन सिर्फ अरवाह थी, जसद नहीं थे। और यही है वो मकाम जिसके बारे में हुजूर ने से जब पूछा गया कि मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको नबूवत कब मिली, तो आपने फरमाया वल आदम बैनल माए वत्तीन, अभी आदम का हयूला जो है अभी गारा गूंध ही रहा था, पानी और गारे के दरमियान ही थे आदम, कि मैं उस वक्त भी नबी था। आलम खल्क का अभी आगाज नहीं हुआ, अभी आलम अरवाह में भी जो तमाम अरवाह है वो अपनी इम्तियाजी शान के साथ है, रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे अगर नूर मोहम्मदी कहें तो गलत नहीं है, इसलिए कि अरवाह का जो मादा तख्लीक है वो नूर है, जैसे फरिश्तों का मादा तख्लीक नूर है। मुस्लिम शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत मौजूद है, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, रूह, फरिश्ते रूह हैं, अरवाह हैं, रूहुल कुदस, रूहुल अमीन, और अरवाह इंसानिया भी रूह है, ये सब इनका मादा तख्लीक नूर है। उस वक्त हम पैदा किए गए, सिर्फ अरवाह की शक्ल में हमसे अहद लिया गया और फिर सुला दिया गया। ये पहली मौत थी जो हम पर वारिद हुई है इस दुनिया में आने से पहले, इसलिए कि सूरह मोमिन की एक आयत में फरमाया गया है कि जहन्नम में लोग जो हैं फरियाद करेंगे, रब्बना अमत्त नस्नतैन वअहयैत नस्नतैन फअतरफना बिज़ुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील, ए अल्लाह तूने हमें दो मरतबा मारा, दो मरतबा जिंदा किया, तो अब एक मरतबा और सही, क्या यहां से निकलने का भी कोई रास्ता है कि नहीं, इतने मराहिल से तू हमें लेकर आया है, एक मरहला और सही। तो ये दो मौतें कौन सी हैं? पहली मौत वो थी जब अरवाह को मौत की नींद सुला दिया गया, फिर आलम खल्क जिसे आज साइंटिस्ट कहते हैं, जिसका नुक्ता आगाज है बिग बैंग, आलम अरवाह उससे पहले की शय है, उस तक साइंस नहीं पहुंच सकती, वो साइंस से मावरा है, लेकिन जहां से साइंस शुरू होती है वो आलम खल्क का आगाज है, बिग बैंग से। वो फिर मुख्तलिफ मराहिल, तनज़ुल के मराहिल भी आए, इर्तका का मरहला भी आया, तफसील में जाने का मौका नहीं है, बहुत से तनज़ुलात के मराहिल और बहुत से इर्तका के मराहिल तय करके आदम तैयार हुआ है। हजरत बेदिल ने रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत शेर कहा है, हर दो आलम खाक शुद्ध ता बस्त नक्शे आदमी, ऐ बहारे नीस्ती अस कद्र खुद होशियार बाश। ये पूरी जो भी कायनात का जो सिलसिला शुरू हुआ बिग बैंग, और बहुत बड़े बड़े जो नारी कुर्रे थे जिनकी के हरारत का जब तस्करा करते हैं साइंसदान, तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फारेनहाइट, ये उनकी उस वक्त उसकी जो हरारत का आलम था, लेकिन फिर वो ठंडे हुए, कुछ उसमें से कुछ फिर खाक की तह जो है जमीन के इस कुर्रे पर आई, हर दो आलम खाक शुद्ध,
यहां से अब आदम का हयूला तैयार हुआ, ताबस्त नक्शे आदमी, उसके बाद इर्तकाई मराहिल है, और फिर आदम की वो रूह जो कोल्ड स्टोरेज में थी जब वो लाकर फूकी गई है, जसद आदम जो है वो मस्जूद नहीं था, मस्जूद तो तब बना है जबकि उसमें रूह आदम वो लाकर फूंक दी गई। फैजा सवैतहु व नफखतु फीहि मिन रूही फकऊ लहु साजिदीन, यहां से हयात दुनियावी का आगाज हो गया। फिर वो सिलसिला तनासुल है, आदम और हव्वा की नस्ल में से हर बच्चा 4 माह के बाद जब उसका एक हयूला रहम मादर में तैयार हो जाता है। हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जिसके अंदर आगाज में वो कहते हैं कि हुजूर ने हमें ये बताया, वह हुआ सादिकुल मस्दूक, देखना तुम कहीं शक में ना पड़ जाना, मोहम्मद कौन है, अस्सादिक अल मस्दूक, जो सच्चे हैं जिनकी सच्चाई की अल्लाह गवाही देता है, कि रहम मादर में 40 दिन तुम नुतफे की शक्ल में होते हो, फिर 40 दिन अलका की शक्ल में होते हो, फिर 40 दिन तो मुजगा की शक्ल में होते, फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह फूंकता है। वही अमल जो आदम के जसद हयूला के साथ हुआ था, हर इब्ने आदम और बिनते आदम के लिए वही अमल है कि जो रहम मादर में 4 महीने के बाद दोहराया जाता है। यहाँ से हयात दुनियावी शुरू हुई, फिर मौत, ये दूसरी मौत है। अब पहली मौत तो वो थी, लेकिन दूसरी मौत यहाँ सेपरेशन हो जाएगी, जो ज़मीन से आया था तख्लीकी मादा वो जिस्म में के जिस्म ज़मीन में गया, गल सड़कर ख़त्म हुआ, जो वहाँ से रूह आई थी वो इस ज़मीनी वजूद का जो लुब्बे लुबाब है, जान नफ्स, उसको लेकर अपने साथ और वो जाएगी आलम बालक। फिर ये एक वक्फा है, फिर बाद से बादल मौत है, तो एहया भी दो हो गए, एक मरतबा पहली मौत के बाद जिंदा किया इस आलम में, आँख खुली इस आलम में हमारी, ये पहला एहया था। कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुर्जऊन, दूसरा एहया वो होगा कयामत के दिन बासे बादल मौत, और फिर उसके बाद वो जिंदगी अबदी जिंदगी है हमेशा की। ये तसव्वुर सामने रखिए, तो ये जो थोड़ा सा वक्फा, ये तो जिंदगी बहुत तवील है, तू इसे पैमाना ए मूज़ फरदा से ननाप, जावेदा पहम दमा हर दम जवां है जिंदगी। इसमें ये वक्फा जो है, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये इस जसद के साथ इस रूह का इत्तेसाल, और ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 बरस की उम्र, ये एक वक्फा है, ये इम्तिहानी वक्फा है, तुम्हें जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, अय्युकुम अहसनु अमला। अब अगर तो दो चीजें इंसान पर वाजे रहें, और ना सिर्फ वाजे रहें मुस्तहज़र रहें, वाजे तो हो जाती है एक चीज फिर आदमी भूल जाता है, तो कोई फायदा नहीं देता उसके, मुस्तहज़र एक ये कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, तवील है। बल तो सरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका, कल्ला बल तुहिब्बून अलआजला व तज़रून अलआखिरा, तुम इस आजला को पसंद करते हो, इस दुनिया की जिंदगी को तुम तरजीह देते हो, जबकि आखिरत है जो बाकी रहने वाली है अबदी। अगर तो ये मालूम हो, जैसा कि सूरह अनकबूत की आयत के हवाले से मैंने आपको आयत सुनाई कि वमा हाज़िल हयातु दुनिया इल्ला लहु व लाइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून, असल जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है, काश के इन्हें मालूम होता। एक हकीकत तो ये मालूम हो और मुस्तहज़र रहे कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, और दूसरी हकीकत ये कि ये दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहानी वक्फा है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।